नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद हूं मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से पकड़े गए गांजा तस्कर। आरपीएफ और जीआरपी ने पकड़े गांजा तस्कर, करीब 3 लाख रुपए का गांजा बरामद। लगातार आगरा कैंट स्टेशन से पकड़ा जा रहा है गांजा। जी हां दोस्तों, आगरा कैंट जीआरपी थाने पर आरपीएससी के साथ खड़े यह 4 सातिर हैं जो गांजा तस्करी के काम को करते हैं। बदायूं का चांद बाबू, पानीपत हरियाणा का रोहतास और बरेली का ज्ञान, रोहतक हरियाणा अजय को कैंट रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया है। जीआरपी आगरा कैंट के इंस्पेक्टर विजय सिंह ने बताया है कि तस्करों के पास से 28 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। आरपीएफ व जीआरपी लगातार आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से गांजा तस्करों को पकड़ रही है। गांजा भी भारी मात्रा में बरामद किया जा रहा है। इससे इतना साफ हो जाता है कि किस पैमाने पर गांजे की तस्करी का खेल चल रहा है। आगरा से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट। चलो ले जाओ। ये आज सुबह लगभग 5:40 पर आरपीएफ और जीआरपी की दो संयुक्त टीमों ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 झांसी साइड से 4 अभियुक्तों को मैं 28 किलो नाजायज गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। इनमें चांद बाबू है, बदायूं का रहने वाला, रोहतास है जनपद पानीपत हरियाणा का, जिशान है जनपद बरेली का और अजय है जनपद रोहतक का। ये लोग दिल्ली में रहते हैं रेंट पे खजूरी के पास, और वहीं खजूरी एरिया में फुटकर में गांजा इनको बेचना था। ये विशाखापट्टनम से एपी एक्सप्रेस से लेके आए हैं, क्योंकि दिल्ली में निज़ामुद्दीन और नई दिल्ली पे बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है, कोरोना वायरस का भी संक्रमण है, इसलिए आगरा स्टेशन से उतरकर सड़क मार्ग से इनको दिल्ली जाना था और हमने इनको रेलवे स्टेशन आगरा कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से पकड़ा है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 2,80,000 रुपये है और इनको जेल भेजा जा रहा है। चलो ले जाओ जाना। मौसम है तो पता है। हेलो भाई, अंदर हाँ ले लो, तो बैठे हैं। पर राजेश भाई ले रहे हैं, राजेश भाई